नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो क्वेश्चन चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वार्षिक राशिफल 2024 का। आज हम बात करने वाले हैं मकर लग्न और राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपकी बोली जो है वो कड़वी हो जाएगी, तीखी हो जाएगी, लेकिन सच्ची हो जाएगी। सच हमेशा कड़वा ही रहता है। संतान के सुखों में बढ़ोतरी होगी। प्रेम और एजुकेशन के मैटर में अच्छा साल है। पिता के साथ थोड़े अनबन हो सकते हैं और फैमिली के साथ बॉन्डिंग आपकी बढ़ सकती है। तो ये सब डिटेल प्लैनेटरी पोजीशन अब हम यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे दो कुंडली बनाई है 30 अप्रैल तक, और 30 अप्रैल के बाद में गुरु जो है वो 30 अप्रैल के बाद में ट्रांजिट करने वाले शनि राहु केतु थ्रू आउट द ईयर वो जहाँ पे है उन्हीं स्थानों में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो सेकंड हाउस में है। कुंडली का दूसरा भाव ये आपका स्पीच है, आपका कुटुंब का स्थान है, आपके सेविंग्स है। शनि स्वराशि में है, आपके सेविंग्स यहाँ पे शनि सिक्योर करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो आपके फ्यूचर के लिए पूंजी बन जाएगा। स्पीच आपकी कड़वी हो जाएगी, तीखी हो जाएगी, बट सच्ची हो जाएगी। आप थोड़ा सा रूड बात करोगे, थोड़ा सा बट सच्चा बात करोगे। वो बात करने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा रूड हो सकता है। यहाँ पे फैमिली के साथ ये शनि बॉन्डिंग भी आपकी बढ़ाएगा। ये कुटुंब का भी स्थान है, स्वराशि का शनि है, उच्च का है, शुभ फल देने वाला है। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की तीसरी नीच दृष्टि है चतुर्थ भाव पे। ये माता का स्थान है, हमारे मन का स्थान है, हमारे सुखों का स्थान है, हमारी आत्मा है, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, सुख, घर सभी यहाँ से है। यहाँ पे 30 अप्रैल तक गुरु है, तब तक शनि वहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज गुरु की शुभता है वहाँ पे। बट गुरु जैसे ही वहाँ से हट जाएंगे 30 अप्रैल के बाद में, तब इन भावों को लेकर, इस चतुर्थ भाव को लेकर, ये जितने भी एस्पेक्ट मैंने कहे हैं, माता के साथ अनबन हो सकती है, आपका सुखों में कमी आ सकती है, मन आपका विचलित रह सकता है, कोई भी लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल 30 अप्रैल के बाद में आपको खरीदना नहीं है। वैसे तो 30 अप्रैल से पहले भी नहीं खरीदना है, है उसको संभाल के रखिए। 30 अप्रैल के बाद जो है वो भी नहीं रह सकता है, थोड़ा सा संभालना है। अब यहाँ पे शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे है। यहाँ पे पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, शांतता से जो मिलती है वो ले लीजिए, क्योंकि ये नुकसान का भी स्थान है। ये स्थान सूर्य की राशि है वहाँ पे, तो अग्रेशन में मत जाइए, शांति से जो भी मिल सकता है शांति से उतना ले लीजिए। उसके बाद में शनि की जो दशम दृष्टि है वो है एकादश भाव, कुंडली का 11वां भाव। यहाँ पे भी शनि की अच्छी दृष्टि है, आपके अर्निंग के सोर्स पे शनि की दृष्टि है। शनि अभी स्वराशि में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, अर्निंग जो है आपकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में 30 अप्रैल तक गुरु बहुत शुभ परिणाम देंगे। माता के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोई प्रॉपर्टी लैंड आप परचेस कर सकते हैं। बट मेरा ओपिनियन, मेरी सलाह है कि आप अभी परचेस के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि जैसे ही फिर गुरु ट्रांजिट करेंगे तो शायद आपको रियलाइज़ हो कि आपने पैसा कहीं से लोन लेके आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी या जो भी है, तो वो सिचुएशंस बन सकते हैं। थोड़ा फ्यूचर को देखते हुए मेरी सलाह है कि आप ना खरीदें। उसके बाद गुरु की जो है पंचम दृष्टि यहाँ पे ही है, अष्टम भाव में पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। कोई जो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं है या गुप्त रोग है, कोई गुप्त रोग जैसा कुछ है, कोई भी बीमारी, गुप्त रोग यानी ऐसी बीमारी जो आपको नहीं पता है, वैसी कोई बीमारी है तो गुरु की वहाँ पे दृष्टि है, वो सामने आएगी और उसका रिजोल्यूशन भी गुरु कराएंगे। उसके बाद में गुरु की सप्तम दृष्टि है वो आपके करियर के स्थान पे है। यहाँ भी गुरु की दृष्टि अच्छी है, करियर में आपको उछाल आएगा, करियर में आपको एक सुधार और एक ग्रोथ की तरफ आपका ग्राफ उठता हुआ आपको दिखेगा। और नवम दृष्टि जो है गुरु की वो है विदेश के स्थान पे, स्वराशि पे है। 30 अप्रैल तक अगर विदेश के कोई प्लान बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट समय रहेगा।
राहु जो है तृतीय स्थान पे, ब्रदर सिस्टर्स के साथ आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये पराक्रम साहस का स्थान है, उनके साथ मिलके कोई भी साहस पराक्रम आपको नहीं करना है, खास करके जॉइंट वेंचर में ब्रदर सिस्टर्स के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, यही रिमेडी है, उनके साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, खास करके जो लोग इन्फ्लुएंसर है, जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में है, जो लोग मीडिया एंटरटेनमेंट के फील्ड में मूवीज़ में काम करते हैं, एक्टर्स है, एक्टर एक्ट्रेस पोएट्स है, ऑथर्स है, उनको ये राहु सेटबैक दे सकता है, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ सकती है। यूट्यूबर्स है, उनकी पॉपुलैरिटी में यहाँ पे कमी आ सकती है। कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, पब्लिक फिगर है, स्पीकर है, उनकी पॉपुलैरिटी में ये राहु कमी ला सकता है, तो थोड़ा सा संभल के चलना है। आपका जो स्पीच है, आपका जो बोली है, आप कुछ भी बोलोगे उसका विपर्यास हो सकता है, थोड़ा सा सोच समझ के आपको चलना है। केतु जो है वो नवम भाव में पिता के साथ अनबन कर सकता है, हाँ स्पिरिचुअलिटी लेकिन ये केतु आपको दे सकता है, पिता के साथ रिलेशन थोड़े आपके खराब हो सकते हैं, भाग्य में केतु कमी ला सकता है। अब बात करते 30 अप्रैल के बाद में, जब गुरु चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे, तब आपके लिए एजुकेशन के लिए बेस्ट समय है, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ आपका जो कॉलेज है मनचाही यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन गुरु दिला सकते हैं। यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन में भी अच्छा है, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपके लिए भी अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम के लिए भी गुरु आपको 30 अप्रैल के बाद में निराशा नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट यहाँ पे गुरु आपको दे देंगे। फैमिली आपको शायद एक्सेप्ट कर लेगी, आपके प्रेम को, आपके लाइफ पार्टनर को फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे रहेगी, तो केतु से जो भी कमियां थी गुरु वहां पे जब दृष्टि करेंगे तो वो सब गाड़ी स्मूथ चलना चालू हो जाएगा। पिता के साथ भी रिलेशन अगेन बॉन्डिंग सुधर सकती है, या दोनों भी एक दूसरों को रियलाइज़ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे चलेंगे। उसके बाद में सप्तम दृष्टि जो है वो एकादश भाव पे है, इच्छा पूर्ति के स्थान पे गुरु आपके अर्निंग के सोर्स को बढ़ा सकता है, आपके आय में वृद्धि हो सकती है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। और नवम दृष्टि जो है वो गुरु की वो है आपके फर्स्ट हाउस पे, लगन पे गुरु की दृष्टि आपके विचारों में क्लैरिटी लाएगा, आपका जो माइंड है मस्तिष्क है वो शांत हो जाएगा, आप हर एक डिसीजन सोच समझ कर लोगे। तो मकर लग्न और राशि के लिए अच्छा समय है, जिन जगह पे मैंने संभलने के लिए कहा है वहाँ पे थोड़ा सा संभलना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।